स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर के टॉप शेयर। इसमें कुल हम आपको 8 शेयर बताएंगे, जिसमें आपको देखने मिलेगा कि इस गिरावट वाले मार्केट में कुछ करेक्शन तो आया, लेकिन फिर से वो रिकवर कर लिया गया। तो ये सारे स्टॉक्स जो है बहुत ही बेहतरीन है इस गिरावट वाले मार्केट में, जो जिसमें आप देख रहे हैं ऐसा सिचुएशन है कि कौन सा सेक्टर में इन्वेस्ट करें, कौन सा नहीं करें, बहुत सारी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो ऐसे में हम आपको सारे शेयर्स दिखाएंगे और उसको आपको चार्ट पर दिखाएंगे कि इन सारे शेयर्स में आपको एक बेहतरीन रिटर्न देखने मिलेगा एक लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे में अगर करेक्शन वाले बाजार में, गिरावट वाले मार्केट में अगर आपको नीचे के वैल्यू पे मिलता है, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू से कम वैल्यू पे मिलता है, इंट्रेंसिक वैल्यू होता है रियल वैल्यू, जो हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा कैलकुलेट करते हैं किसी भी शेयर का प्राइस, उससे कम प्राइस पे मिलता हो, मतलब रियल वैल्यू से कम वैल्यू मिलता हो, तो उसे हम कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू से कम वैल्यू पे मिलना, मतलब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स। तो ऐसे गिरावट वाले मार्केट में आपको एफएमसीजी सेक्टर के जो कि बेहतरीन स्टॉक्स है, जो उसमें आपको डिविडेंड, बोनस, रिटर्न, हर चीज़ देखने मिलेगा जो कि बेहतरीन है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से, तो ऐसे स्टॉक्स को लेकर के हम आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से बहुत सारे वीडियोज है जिसे आप देख करके स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो हमारे चैनल पर जाइए और इन सारे वीडियोज को देखिए और स्टॉक मार्केट सीखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन पर दबा करके और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है, जो हमारा पहला स्टॉक है वो है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। दोस्तों नेस्ले इंडिया देख सकते हैं, ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, देख सकते हैं आप। और इसका जैसे जैसे आप रिटर्न देखते जाइएगा, 5 ईयर्स का भी रिटर्न देखिएगा, देख सकते हैं चार्ट, एक बेहतरीन रिटर्न दिया है। यहाँ से आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 5 ईयर्स का देख सकते हैं रिटर्न, तो वह है 155%। ये जो एफएमसीजी सेक्टर का जो ये स्टॉक्स है, ये आपको जब भी मिलेगा देखिएगा आगे ग्रोथ इसमें देखते मिलेगा आपको, आगे बढ़ते जा रहा है स्टॉक्स, बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये स्टॉक्स हमेशा एक बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो और इसका आपको हम दिखा देते हैं कि ये लगातार बोनस भी देती है और लगातार आपको डिविडेंड भी पे करती है। तो यहाँ हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें लगातार आपको डिविडेंड भी देखने मिलेगा, देखिए 2019 में देख सकते हैं 5 times डिविडेंड दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं 550% का डिविडेंड, मतलब आप ये देख सकते हैं कि 55 रुपीज़, मतलब इसका जो वैल्यू है फेस वैल्यू वो है 10, देख सकते हैं फेस वैल्यू कभी भी स्प्लिट हुआ ही नहीं है, इसका फेस वैल्यू 10 है। तो इस तरह से डिविडेंड देखिएगा 55 रुपीज़ है इसका, और फिर देख सकते हैं 1800%, मतलब ये हो गया आपको 180 रुपीज़ का डिविडेंड, देख सकते हैं कितना डिविडेंड भी बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे करता है। स्टॉक का प्राइस भी हाई है, अभी 17,000 आपको देखने मिल रहा है, जैसे करेक्शन होता है 14,000 पे, 15,000 से नीचे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं 230%, 250%। तो इस तरह से आपको इसमें डिविडेंड भी बहुत ही बेहतरीन देखने मिलता है, और ये स्टॉक्स जो जैसे इसमें करेक्शन आता है, जैसे मार्केट में गिरावट आती है, जैसे आगे संभावना व्यक्त की जा रही है मार्केट में कुछ करेक्शन आएगा, फिर आगे की मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो मार्केट में जब भी करेक्शन आता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। तो ये देखते हैं अभी है 18,000 के अप्रॉक्स, तो जैसे इसमें 14,000-15,000 के नीचे आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, और इसमें आपने डिविडेंड देख लिया और इसमें बोनस देख लीजिए, ये पहले ये स्टॉक्स लगातार बोनस भी पे करती थी, तो जैसे आगे बोनस पे करता है तो आपको बोनस का भी फायदा मिलेगा इस शेयर में, और स्प्लिट भी नहीं हुआ है स्टॉक्स, समझ सकते हैं स्टॉक अभी स्प्लिट भी नहीं हुआ है, तो अगर स्प्लिट होता है तो उसमें भी आपको फायदा होगा, आपका जो रिटर्न है कई टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब आपके पास कई सारे शेयर हो जाएंगे। अगला हमारा शेयर है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है, देख सकते हैं इसका चार्ट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप इसका चार्ट देखिए, 5 ईयर्स का चार्ट देखिए, 5 ईयर्स का चार्ट देख लीजिए, इसमें भी बेहतरीन चार्ट आपको देखने मिलेगा। तो ये सारे स्टॉक्स जो है बहुत ही बेहतरीन है, और इसका डिविडेंड यील्ड देखिएगा यहाँ से 1.34%, डिविडेंड यील्ड भी शानदार है। आपको हम इसका डिविडेंड भी दिखा देते हैं कि ब्रिटानिया जो है बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करती है, देख सकते हैं 3500, देख सकते हैं 29 अप्रैल, अगर आपके पास 28 अप्रैल तक ये शेयर अगर बाय किए होंगे तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा 35% का, मतलब 35 रुपीज़, क्योंकि इसका जो देख सकते हैं फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, फेस वैल्यू 1 है, तो आपको
डिविडेंड जो मिलेगा 3500% का 35 रुपीज़ मिलेगा। उसी तरह 1500% का डिविडेंड देखते हैं 29 में, मतलब पिछले साल 2018 में 1250% का डिविडेंड। तो देखते हैं इस तरह से लगातार डिविडेंड पे करती है। बोनस भी आप देख सकते हैं 2018 में भी बोनस पे किया है, फिर बहुत पहले पे क्या है 89 में 87 में। तो लगातार ये सब कंपनियां बोनस भी पे कर रही है और स्प्लिट भी हुआ है देखते हैं 2018 में। तो 2018 में जिनके पास ये शेयर होगा बहुत फ़ायदा हुआ होगा, देख सकते हैं बोनस शेयर और स्प्लिट का शेयर, मतलब एक शेयर पे पहले बोनस के अनुसार एक शेयर फ्री मिला, फिर स्प्लिट के अनुसार एक शेयर फ्री मिला। तो इस तरह से देख सकते हैं शेयर उनका क्या हो गया, उनका शेयर जो है 4 times हो गया। तो इस तरह से बोनस और स्प्लिट दोनों का फ़ायदा। तो ये सारी कंपनियां आपको ग्रोथ भी देती है, साथ साथ डिविडेंड भी अच्छा पे करती है, ग्रोथ भी देखने मिलता है इसमें, लगातार आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। जो मार्केट में गिरावट आती है तो उस मार्केट में गिरावट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें देख सकते हैं कि करेक्शन भी आया था 2467 रुपीज़ तक, मतलब आपको ये 2000 रुपीज़ या 2500 से नीचे मिल जाता है तो आपको इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सुरक्षित स्टॉक्स में हो, जो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा डिविडेंड भी दे, अच्छा रिटर्न भी दे और बोनस भी दे, स्प्लिट भी दे, तो हर चीज़ मिलेगा आपको इन सारे स्टॉक्स में, लगातार बोनस भी मिलता रहेगा आपको। उसके बाद हमारा है तीसरा और उसके बाद इस सेक्टर से जो तीसरा स्टॉक्स है हर कोई जान रहा है, अभी HUL बहुत न्यूज़ में रहा है, इससे बहुत संभावना व्यक्त की जा रही थी कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेश करेगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, मार्केट की जो आशा थी, उस एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा रिजल्ट रहा इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, इस तरह के जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें। देख सकते हैं इसका रिटर्न HUL का एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न है। थोड़ा सा करेक्शन कभी आया है, कभी भी लार्ज करेक्शन या कहें बहुत बड़ी गिरावट ऐसे स्टॉक्स में नहीं आया है। और इसका भी आप देखिएगा डिविडेंड बहुत ही शानदार है, लगातार बोनस भी पे करती है। तो देखते हैं डिविडेंड आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, देख लीजिए 2019 में 1100% का डिविडेंड, इसका फेस वैल्यू 1 है, देख सकते हैं 2000 में स्प्लिट हुआ है और तो 11 रुपीज़ हो गया, फिर 13 रुपीज़ हो गया, मतलब कुल 24 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया है 2019 में। और फिर 18 में देख लीजिए 900% का 9 रुपीज़, फिर 12 रुपीज़, 21 रुपीज़ का डिविडेंड, मतलब वो कि लगातार एक अच्छा डिविडेंड भी पे करती है और अच्छा आपको ग्रोथ भी देखने मिलता है। और बोनस शेयर देख लीजिए 91 में 87 में, मतलब बहुत पहले ये इसमें बोनस शेयर देखने मिला है, तो फिर आगे हो सकता है कि आपको बोनस शेयर इसमें देखने मिले। तो ये सारे शेयर जो है आपको ग्रोथ भी देगा, बोनस शेयर भी देगा, डिविडेंड तो बहुत ही अच्छा शानदार दे रहा है, और साथ ही साथ कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम जो है जो FMCG फूड्स जो फूड के सारे प्रोडक्ट है उसे कंज्यूम करना तो रोक नहीं सकते, इसलिए इन सारी कंपनियों में ग्रोथ कभी आपको रुकते हुए नहीं देखने मिलेगा। तो इसलिए ये सारे स्टॉक जो बहुत ही बहुत बेहतरीन है और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा रिटर्न देगा। और अगला स्टॉक्स जो है हमारा चौथा स्टॉक्स FMCG सेक्टर से वो है डाबर, देख सकते हैं डाबर का रिटर्न देख सकते हैं, डाबर भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, एक गजब का रिटर्न दिया है। देख सकते हैं 490 रुपीज़ अभी इसका करेंट मार्केट प्राइस है, वहीं HUL का मार्केट प्राइस जो था अभी वो है 2205 रुपीज़, और इसमें जैसे करेक्शन आता है 2000 रुपीज़ उससे नीचे आता है, तो ज़रूर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, एकदम आपको श्योर हो जाए कि आपको किन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। आपको 8 स्टॉक्स बता रहे हैं, उसका रिटर्न भी आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, 8 में से 2-4 जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो 2-4 स्टॉक में आप कर सकते हैं। और वही डाबर का भी जो प्राइस चल रहा है देखते हैं 490 रुपीज़, मतलब आप हायर प्राइस में तो नेस्ले में भी जा सकते हैं, देखते हैं नेस्ले के एक स्टॉक्स का जो अभी दाम है 18,000 है, ये से 14,000 में। तो अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, मतलब आपके पास बहुत सारे सेविंग्स हैं, तो आप इस हायर प्राइस वाले स्टॉक में जा सकते हैं, नहीं तो आप ब्रिटेनिया देख सकते हैं, मीडियम जो हमारा प्राइस है उसमें ब्रिटेनिया आ गया आपको, फिर आपको HUL आ गया, उसके बाद आप देखते हैं डाबर बहुत ही लो वैल्यू पर। आगे आपको हम इससे कम भी प्राइस वाले स्टॉक्स दिखाएंगे FMCG सेक्टर के, जो कि लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। तो देख सकते हैं यहाँ से आप देखिएगा इसका लॉन्ग टर्म में रिटर्न, तो देख लीजिए कितना का रिटर्न है, 4000% का, देख सकते हैं 4000% का डाबर रिटर्न दिया है आपको 15 ईयर्स में,
4000% का। साथ ही साथ इसमें आपको जो बोनस मिला होगा, स्प्लिट हुआ होगा, उसके कारण और आपका रिटर्न जो है कई टाइम्स हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स अगर आपको मिले करेक्शन वाले मार्केट में तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। इसका देख लीजिए, आपको डिविडेंड दिखा देते हैं, साथ साथ जो स्प्लिट है, डिविडेंड स्प्लिट सारी चीज़ हम आपको दिखा देते हैं कि कब कब डिविडेंड दिया है, कब स्टॉक स्प्लिट हुआ है। तो यह देखिए हम डाबर के नीचे आ गए हैं, यहाँ पर डाबर का आप देख लीजिए डिविडेंड देखिए 140%। तो यहाँ से स्प्लिट में जाकर फेस वैल्यू आप देख लीजिए, 1 रुपी फेस वैल्यू है तो 1 रुपी 40 पैसा हो गया, फिर दिया है 1 रुपीज 50 पैसा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 रुपीज के आसपास डिविडेंड भी है। और फिर 2018 में भी देख सकते हैं, 2018 में शानदार डिविडेंड दिया है, देख सकते हैं 3 टाइम्स और 500% मतलब 5 रुपीज, फिर 1 रुपीज 25 पैसा, 1 रुपीज 25 पैसा, इतना शानदार डिविडेंड देख सकते हैं ये सारी कंपनियाँ देती है। साथ साथ आपको बोनस भी देखने मिलेगा, देखिए 2010, 2006, 2005 बहुत बार बोनस दी है ये कंपनियां। तो देख सकते हैं ये 1993 में 4 शेयर फ्री 1 शेयर पर 4 शेयर फ्री। तो देखते हैं ऐसी कंपनियां आपको बहुत ही शानदार डिविडेंड के रूप में, बोनस के रूप में, ग्रोथ के रूप में हर तरह से आपको जो मालामाल कर देती है। तो ऐसे कंपनियों के शेयर अगर आपको नीचे के वैल्यू पर मिलते हैं तो ज़रूर आपको लपक लेना चाहिए। ऐसे शेयर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही बहुत शानदार रिटर्न देंगे। वैसा ही एक और स्टॉक्स हम आपको लेके आए हैं, देख सकते हैं कोलगेट, देख सकते हैं कोलगेट आप सभी यूज करते हैं। देखिए 2005 से इसका रिटर्न दिखाते हैं, देख लीजिए 2148% का रिटर्न, देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज रिटर्न है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। जैसे ही ये सारे स्टॉक्स आपको करेक्शन वाले मार्केट में मिलता है, लोअर वैल्यू पर मिलता है, तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। देख सकते हैं इसमें करेक्शन आया था 1100 से भी नीचे, लेकिन तुरंत ये अपना प्राइस रिकवर कर लिया और फिर से अपने जो हाई प्राइस था उसी पर चला गया, उसी के आसपास। तो ऐसे स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। चलिए दिखाते हैं आपको कब कब ये स्टॉक्स डिविडेंड दिया है, कितना डिविडेंड दिया है और स्टॉक में बोनस कब मिला है, हर चीज़ आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। देख लीजिए हम आ चुके हैं यहाँ पर, तो ऊपर चलते हैं डिविडेंड में। तो यहाँ से डिविडेंड देख लीजिए 1200% का डिविडेंड, यहाँ से स्प्लिट में जाइए, फेस वैल्यू देख लीजिए, फेस वैल्यू इसका एक ही है, बहुत ही पहले फेस वैल्यू स्प्लिट हो चुका है। तो 12 रुपीज़ हो गया, फिर 800% 8 रुपीज़ हो गया, 7 रुपीज़ 700% का, तो कुल देख लीजिए कितना हो गया 27 रुपीज़, 1 शेयर पर 27 रुपीज़ का डिविडेंड। तो इतना शानदार डिविडेंड पे करती है। बोनस में फिर देख लीजिए 2015 में बोनस, अभी आपको हमने दिखाया था 2005 से इसका कितना था 4000%, ये बोनस एक मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 8000% 8000% का जो आपको रिटर्न दिया है ये कंपनियां। देख सकते हैं एक ब्लू चिप कंपनी आपको जो है 8000% का रिटर्न देता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जब आप 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत ही शानदार स्टॉक्स है ये सारे, तो इन स्टॉक्स को ज़रूर आप लपक लें, मतलब इन सारे स्टॉक्स में आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आपको नीचे के प्राइस पर मिलता है तो। अगला है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, देख सकते हैं ये हमारा 543 रुपीज़ पर, अभी आपको 543 पे मिल रहा है, जैसे इसमें करेक्शन आता है तो आपको ये 400 के आसपास मिलता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोलगेट, कोलगेट आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है 1464 रुपीज़, जैसे ये 1100 के नीचे आता है तो या उसके आसपास आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आपको डाबर, डाबर है आपको 490 रुपीज़, जैसे ये 400 के आसपास आता है तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा शेयर है। उसी तरह से HUL 2000 के नीचे आता है तो आपको हमने पहले ही बताया कि आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो इन सारे स्टॉक्स में आपको हमने दिखा रहा है कब बोनस दिया है, कब कितना रिटर्न दिया है, कितना ग्रोथ आपको दिया है, इसके अनुसार आप ज़रूर इसमें से चूज कर लें 3-4 स्टॉक जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है FMCG सेक्टर में। अब इसमें दिखाते हैं आपको 2005 से अभी तक में कितना रिटर्न दिया है गोदरेज कंज्यूमर, देख सकते हैं 2792% इतना का रिटर्न दिया है। वहीं हम देख सकते हैं यहाँ जो पिक वैल्यू पर था ये 2018 में उस समय दे रहा था 3840% का, 3840
परसेंट का रिटर्न। तो देखते हैं ये सारी कंपनियों एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिस में बहुत ही अच्छा रिटर्न देती। अभी इसमें बहुत ही तेज करेक्शन देखने मिला है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में, और आपको अगर इसमें करेक्शन देखने मिलता है तो इसे ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हमें एसेंशियल प्रोडक्ट में आते हैं जिसे हम यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये हमारे नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इसलिए इन सारे स्टॉक्स में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। चलिए आपको हम दिखाते हैं इसका डिविडेंड और इसका बोनस और इस जो भी हमारा बेनिफिट्स मिलता है हमारा इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ के सिवा। तो ये डिविडेंड देख सकते हैं इन कंपनियों का भी शानदार है। देखते हैं 2020 में 200% का, 19 में 200 देखते हैं 4 times दिया है 2019 में। आप इसका फेस वैल्यू देख लीजिए, 1 रुपीज है फेस वैल्यू, तो ये हो गया 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 2 8 रुपीज़ का डिविडेंड देख सकते हैं 2019 में, और फिर 2 रुपीज़ 20 में भी दे चुका है, आगे भी देगा। इस तरह से आप बोनस देखेंगे तो बोनस भी इन कंपनियों का हम देख लेते हैं, बोनस कब कब दिया है ये कंपनियां। तो बोनस देख लीजिए 18 में दिया है, 17 में दिया है, देख सकते हैं बोनस भी दो दो बार दे चुका है इधर आपको हाल फिलहाल में। तो ये कंपनियां लगातार बोनस भी दे रही है, आपको डिविडेंड भी शानदार दे रही है, तो ऐसे कंपनियों आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। अगला है हमारा मैरिको। अमेरिको अभी देख सकते हैं अभी करंट प्राइस है 287 रुपीज़। तो जैसे इस में करेक्शन देखने मिलता है आपको 250 रुपये के नीचे या 250 रुपये के आसपास मिलता है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। और इसमें अभी देख सकते हैं बीच में बहुत ही करेक्शन आया था और ये 250 रुपये के आसपास मिल रहा था, उस समय आप इन्वेस्ट कर सकते थे। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देख लीजिए इसका हम दिखाते हैं 2005 से अभी तक में कितना का रिटर्न दिया है। आप देख लीजिए 2005 से अभी तक का रिटर्न देख लीजिए 3295% 3295% का रिटर्न दिया है अभी तक में। देख सकते हैं सारी कंपनियां लगभग सिमिलर ही है एफएमसीजी सेक्टर की। तो अब आपको देखना है आगे कौन सा इसमें से लीडर बनेगा, कौन अच्छा आगे इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न देगा, उन कंपनियों को आपको चुनना है। तो आपको हमने पहले ही बताया आपको 3-4 कंपनियाँ चुन लेनी है इसमें जो कि आगे अच्छा रिटर्न दे। और आपको दिखाते हैं ये कितना डिविडेंड दिया है, कितना इसका जो है बोनस दिया है कब कब, इन सारी चीज़ों को भी देखना बहुत जरूरी है। और कंपनियां डेब्ट फ्री होना चाहिए, तो इसमें से आपको वही कंपनी चुनना है जो डेब्ट फ्री हो। डेब्ट फ्री कंपनियां इनमें से कौन सा है तो हम इसके अलग अलग जो है फंडामेंटल एनालिसिस कर देंगे। आप हमें कमेंट कीजिएगा अगर आपको इन पर सभी पर अलग अलग वीडियो चाहिए, सबके फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस पर अगर आपको अलग अलग वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आप के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इसका देखिए फेस वैल्यू 1 है, तो डिविडेंड देख लीजिए 75% मतलब 75 पैसा 2020 में, 325% मतलब 3 रुपीज़ 25 पैसा 2020 में। देख सकते हैं दो बार डिविडेंड दे चुका है ये फरवरी मार्च दोनों महीना में। उसी तरह 19 में भी देख सकते हैं यहाँ पर आप 2-2 4 550% मतलब 5 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड 19 में भी दिया था, तो बहुत ही शानदार डिविडेंड है। और बोनस देख लीजिए 15 में 2004 में 2002 में बोनस तो बहुत बार दिया है, देखते हैं इधर हाल फिलहाल के समय में। और उसी तरह से आप देख 2007 में स्प्लिट भी हुआ है, तो 1 शेयर का 10 शेयर हो गया होगा उस समय, तो देख सकते हैं तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और अगला कंपनी है हमारा ITC। दोस्तों ITC एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही गजब का रिटर्न दिया है और सबसे कम वैल्यू का स्टॉक्स है। अभी देख सकते हैं आपको बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है ये स्टॉक्स, और ये स्टॉक FMCG सेक्टर में लीडिंग स्टॉक्स बनने जा रहा है, क्योंकि आप इसका स्टेशनरी प्रोडक्ट जो क्लासमेट की कॉपियों देखते हैं वो भी ITC का है, और ये टोबैको कंपनी है पहले से ही, और ये FMCG बनने की कोशिश कर रही है। तो समझ सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स आगे होने वाले हैं शेयर होल्डर को इस कंपनी में। इसका देख लीजिए रिटर्न, तो 2005 से रिटर्न इसका देख लेते हैं, 2005 से अभी तक का रिटर्न देखिएगा तो 621%, लेकिन करेक्शन आने से पहले देखिएगा तो है 1114%। और इसमें जो आपको देखने मिलेगा बहुत बार बोनस दिया है, ये स्टॉक्स आपको बोनस से मालामाल कर दिया है। देखिए अगर बोनस नहीं जानते हैं कि बोनस क्या होता और ये आप
किस तरह का मैजिक है जो आपके रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देता है, तो यहाँ आई बटन पे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप बोनस का मैजिक देख सकते हैं। बोनस आपके रिटर्न को सीधा 2 times कर देता है। आपने देखा 1000% का रिटर्न दिया है, लेकिन आपको बोनस दिखाते हैं इस कंपनी कितना, देखिए 2016, 10, 5, 94 देख सकते हैं कितना बार बोनस दिया। अगर आप ये 3 ही देखें तो आपको देखिए 1:2 का बोनस, 1:1 का, 1:2 का, तो मतलब आप यहाँ से 2 times करिए, 1000 का 2000% हुआ, 1000 का फिर उसका 2 times कीजिए 4000, लगभग 4000% का रिटर्न दिया है बोनस जब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कंपनियाँ भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि अभी इसमें बहुत ही करेक्शन आया, ये 300 rupees का स्टॉक्स हुआ करता है, इसमें अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन आया। FMCG सेक्टर का ये अकेला स्टॉक्स है जिसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है, तो इन सारे स्टॉक्स में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। इनमें से जो स्टॉक्स आपको अच्छे लगता है, अगर ये स्टॉक FMCG बन जाती है तो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा, समझ जाइए, ITC एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा अगर FMCG बन जाती है तो। तो इसलिए इन सारे स्टॉक्स में ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।